नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि विंटर के मौसम में आप अपने बालों और अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हो। रिसेंटली मैंने एक नया ब्रांड ट्राई किया है जिसका नाम है द पिलग्रिम इंडिया, और इनकी एक रेंज है जिसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड कोरिया, जिसके दो ऑयल्स मैंने ट्राई किए हैं। एक ऐसा है जो आप सिर्फ स्किन पे लगा सकते हो, दूसरा ऐसा है जो आप बालों पे और स्किन दोनों पे लगा सकते हो। रिसेंटली आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं वापस अपने घर आ गई हूँ बैंगलोर में, और नॉर्थ से साउथ में जब आई तो ड्रास्टिक चेंज था वेदर में, और मेरी बाल, मेरे स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, बाल टूट रहे थे, और स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई, पैची, स्केली, अजीब सी हो रही थी। बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वेदर का क्या हाल हो रहा है। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग विच इज़ वेरी नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, और पिलग्रिम जो ब्रांड है वो बहुत टाइम से मैं ट्राई करना चाह रही थी। अपने चैनल पे मैं इसका रिव्यू भी डालना चाह रही थी। सो आज का जो रिव्यू है ये 100% ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा, आफ्टर यूजिंग इट फॉर मोर देन 10 डेज नाउ। और सबसे अच्छी जो इस ब्रांड की बात है वो ये है कि इसमें पैराबेन, सल्फेट्स, किसी भी तरह के टॉक्सिन्स या मिनरल ऑयल्स नहीं है इसमें, किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो ये टोटली सेफ है आपकी स्किन और आपके बालों के लिए। सेकेंडली ये क्रूएल्टी फ्री है। सो सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है ऑयल जिसका नाम है तमानू ऑयल। ये आप स्किन पे लगा सकते हो। अगर इसके इसकी फॉर्मुलेशन की बात करूं कि ये कैसे बनता है, तो तमानू एक तरह का सीड है, उस सीड में से इसका ऑयल निकाला जाता है, और ये माना जाता है कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो तमानू ऑयल कम्स इन अ बॉक्स लाइक दिस, और ये 100% प्योर एंड नेचुरल ऑयल है। हर तरह के स्किन टाइप वाले लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली एक्ने स्कार्स के लिए काम आता है, रेजर बर्न्स के लिए काम आता है, या इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम के लिए काम आता है। आपकी स्किन को फर्म एंड स्मूथ बनाता है। एक यूथफुल स्किन के लिए इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट। क्वांटिटी इसकी मिलती है हमें 30 ml। MRP इसका 645 rupees है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बाय करते हो तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स इस पर आपको मिलते रहते हैं। देन अगर बात करूं कि इसमें, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इसमें सल्फेट्स, किसी तरह के पैराबेन, टॉक्सिन्स कुछ भी नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है। ग्लास बॉटल, डार्क ब्राउन कलर की ग्लास बॉटल में आता है विद अ ड्रॉपर, बहुत इजी टू यूज़ है। और डार्क कलर की ग्लास बॉटल का यूज़ इसलिए किया गया है ताकि सनलाइट या फिर हॉट टेम्परेचर की वजह से जो इस ऑयल के बेनिफिट्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म ना हो, ख़राब ना हो, ताकि ये लॉन्ग रन तक आप इसे यूज़ कर सकें। यूज़ कैसे करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स आप इसे अपने हाथ पे लें, और उसके बाद उसको मसाज करें अपनी स्किन पे, चाहे आप फेस पे लगाएं, चाहे पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करें, बहुत आराम से ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन के अंदर। थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी और डार्क ब्राउन कलर का ये आता है। फ्रेग्रेंस की बात करूं तो मुझे ये थोड़ी सी स्ट्रांग लगी है फ्रेग्रेंस, तो मैं प्रेफर करती हूँ इसको रात को सोते टाइम अपने स्किन पे लगाना, ताकि मॉर्निंग में जब यू टेक अ शावर तो वो स्मेल जो इसकी स्ट्रांगनेस है वो हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तमानू ऑयल से एक्ने स्कार्स तो फेड होते ही हैं, ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है, प्लस आपकी फाइन लाइन्स और रिंकल्स को भी रिमूव करता है। अ स्मॉल अमाउंट goes अ वेरी लॉन्ग वे, अगर सही तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ अप टू 2 years है। सबसे जो स्पेसिफिक रीज़न है मैंने ये ऑयल क्यों चूज़ किया वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हो कि मैंने लास्ट 2-3 months में अपने फेस पे फेशियल हेयर ट्रिमर यूज़ किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऊपर नीचे या सर्कुलर मोशन में आप ट्रिम करते होंगे अपने फेशियल हेयर, दैट्स वाई आपको ब्रेकआउट की प्रॉब्लम हो रही है या पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है। तो ट्रिमर लगाने के बाद मेरे पूरे चीक्स पे एंड फोरहेड पे छोटे छोटे एक्ने नहीं बोलूँगी मैं उसको, लेकिन वो ब्लैक हेड्स थे, वाइट हेड्स थे, एंड ब्रेकआउट्स मैं कहूँगी बहुत सारे हो गए थे। इनफैक्ट मेरा पूरा फेस भर गया था। ये ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम है या रेजर बर्न्स हो गए हैं। तो मुझे जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम आ रही थी, छोटे छोटे जो दाने पूरे फेस पर आ गए थे बिकॉज ऑफ यूजिंग द फेशियल हेयर रिमूवल ट्रिमर, उसकी वजह से जो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं जो मेरे हेयर हैं वो बाहर की बजाय अंदर की तरफ ग्रो होने लगे थे। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस ऑयल बिकॉज ये 100% सेफ भी था, और आप एक ऑयल है आपकी स्किन को नरिश तो करता ही करता है, प्लस वो जो आपकी इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम है या फिर रेजर बर्न्स की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करता है।
और एक अनदर रीज़न है इसको ख़रीदने का कि जो आपके एक्ने स्पॉट्स या एक्ने मार्क्स रह जाते हैं उनको भी ये बहुत आराम से जल्दी फेड अवे करता है। सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई ट्राई फ्रॉम दिस ब्रांड, उसका नाम है द आर्गन ऑयल विद होहोबा ऑयल एंड मराकुजा। आर्गन ऑयल को हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। नाउ आर्गन ऑयल भी सिमिलर तरह की पैकेजिंग में ही आता है। आर्गन ऑयल इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन ई। होहोबा ऑयल जो इसमें डाला है वो सीबम की प्रोडक्शन को बैलेंस करता है आपकी स्किन में। प्लस इसमें है मराकुजा यानी कि पैशन फ्रूट ऑयल, वो रिच होता है विटामिन सी में और विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एक तरह से बहुत सारे सुपर हीरोज़ इस बॉटल के अंदर उन्होंने ऐड किए हुए हैं। ये आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नेल्स, हर तरह से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 600 MRP है इसका, 600 रुपीज़, और क्वांटिटी आपको मिलती है 30 ml। बट एज आई मेंशन, ऑनलाइन आप ख़रीदोगे तो किसी ना किसी तरह का डिस्काउंट आपको मिलता रहता है। बॉटल भी इसकी सिमिलर है, डार्क ब्राउन कलर की ग्लास बॉटल में आता है विद अ ड्रॉपर। ड्रॉपर की वजह से इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यूज़ कैसे करना है, सिमिलर तरीका, जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स आप अपने लें फेस पे या डायरेक्टली अपने पाम पर लें और उसको रब करें अपनी स्किन के ऊपर, अपने नेक के ऊपर 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज करें और उसके बाद आप सो जाएं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप इसे आप अपने बालों पर भी लगा सकते हैं और नेल्स पे भी लगा सकते हैं। कंसिस्टेंसी की बात करूं तो ये काफ़ी लाइट ऑयल है, ट्रांसपेरेंट ऑयल है, बिल्कुल भी थिक नहीं लगा मुझे। तो ये बहुत आराम से मर्ज हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन के अंदर। फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल, फ्रूटी, बहुत रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। आई जस्ट Absolutely love this. शावर करने के बाद इसे लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है आर्गन कर्नल ऑयल, कैप्रोलिक कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड, होहोबा ऑयल, रोज हिप ऑयल, पैशन फ्रूट का सीड जो आता है उसका ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, ऑरेंज पील ऑयल एंड टोकोफेरॉल एसिटेट। स्क्रीन पे मेंशन डिस्काउंट कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आपकी परचेज पे 15% ऑफ मिल जाएगा। आई होप इट हेल्प्स। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट्स मुझे कैसे लगे तो मुझे दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी हद तक पसंद आए हैं। ये ब्रांड मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया था, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, और इनका पूरा यू नो फॉर्मुलेशन अगर हम देखें या इनकी क्वालिटीज़ देखें तो ओवरऑल मैं कहूँगी इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। कहाँ से खरीद सकते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो अपने लिए खरीद के इसको ट्राई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर फॉर सेल्फ गाइज, बाय बाय।